लोकसभा चुनाव हार पर कांग्रेस में मंथन कमलनाथ सोनिया गांधी को देंगे रिपोर्ट। जहां छिंदवाड़ा समेत एमपी में पार्टी की हार पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी की आवास पर बैठक होनी है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मात्र एक सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, कमलनाथ का गढ़ कही जाती थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो विकास के मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को प्रदर्शित किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की वजह से किया जा रहा है। अब एक बड़ा बदलाव किया बीजेपी ने। यहां पर 29 के 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, क्लीन स्वीप हो गया बीजेपी ने कर दिया और उसके बाद अब कांग्रेस के लिए मंथनों का दौर है कि आखिरकार एक भी सीट ना बढ़ने का मध्य प्रदेश में कारण क्या हो सकता है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, वाकई में ये हैरान करने वाला वाक्य है जहां एक तरफ कांग्रेस की अन्य राज्यों में सीटें बढ़ती हुई नजर आई हैं और वहां दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की एक सीट थी कांग्रेस के खाते में छिंदवाड़ा, वो भी चली गई और जो कोशिश की जा रही थी कि सीटों पर इजाफा होगा लेकिन वो तो बिल्कुल माइनस में चले गए। बिल्कुल, जैसी उम्मीद कांग्रेस नेतृत्व को थी मध्य प्रदेश से ऐसा लोकसभा चुनाव में परिणाम नहीं आया है और सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो छिंदवाड़ा सीट को लेकर लगा है और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़े, वो भी हार गए, तो वो भी एक बड़ा चुनावी झटका कांग्रेस को है जिससे उभरना उनके लिए अभी तक नहीं हो पा रहा। और क्यों ये झटका लगा, कैसे भीतरघात की बातें जो सामने आ रही थी वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कमलनाथ 10 जनपद में मुलाकात कर रहे हैं। कमलनाथ सोनिया गांधी के आवास पहुंच चुके हैं और वो अब पूरी रिपोर्ट देंगे कि कैसे छिंदवाड़ा का जो मजबूत किला कमलनाथ ने बनाया था उसकी एक एक नींव की एक एक ईंट निकाली गई, उनके जो मजबूत लोग थे उनको बीजेपी ने तोड़ा और अब वो स्थिति ये हो गई कि उनको छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा और हार भी ऐसी नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से नकुलनाथ को हारना पड़ा है। और यही कमोबेश स्थिति राजगढ़ के बारे में बताई जा रही थी जहां पर दावा किया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह का बहुत मजबूत है, वो यहीं के रहे हैं और उनका बहुत बड़ा गढ़ है, वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर भी उनको हार हुआ। आपको बता दूं कि देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की 2 सीटें हुआ करती थी, एक तो छिंदवाड़ा और जब तक कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे तो गुना एक मजबूत सीट थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे तो वो भी उनका गढ़ खत्म हो गया था। इसी के बाद उन्होंने सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली और हालांकि अब 2024 में वो गुना से एक बार फिर घटक दल है और लंबे समय से घटक दल है, प्रारंभ काल से नहीं। 24 जो है कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, छिंदवाड़ा वो हार चुके हैं। अब पूरी स्थिति क्या है, कैसे भीतरघात हुई, क्या कमियां रह गई, इन सब को लेकर कमलनाथ सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में मंथन करने की बहुत ही जरूरत है। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2024 में 2019 के मुकाबले भले ही संसद में महिला सांसदों की संख्या में कमी आई हो लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार नारी शक्ति